हेलो दोस्तों, मैं अजय स्वागत करेंगे आपके अपने चैनल विजुअल क्लास से यूट्यूब चैनल पे। शुरू करेंगे आज राजस्थान की जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके साथ। इसमें आपको 15 महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो दिए गए हैं, साझा किए गए हैं, जो लगभग परीक्षाओं के अंदर जो है आते हैं, पूछे जाते हैं, जो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन आपके साथ मैं शेयर करूँगा। इसमें जो 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे, तो इसे वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे और इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर एक के साथ। क्वेश्चन नंबर एक है, मारवाड़ का प्रताप किसे माना जाता है, यानी मारवाड़ का जो प्रताप है वो किसे माना जाता है। क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर क्वेश्चन आता है कि मारवाड़ का प्रताप किसे माना जाता है, तो मारवाड़ का प्रताप माना जाता है चंद्रसेन को। किसे माना जाता है? चंद्रसेन को। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किसान आंदोलन है उसका जनक माना जाता है, तो किसे माना जाता है जनक? वो है विजय सिंह पथिक को। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का एकमात्र जो रावण मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, यानी उत्तर भारत है उसका एकमात्र जो रावण मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, तो है जोधपुर के अंदर। राजस्थान की मीराबाई की जन्मभूमि कौन सी है, तो राजस्थान की जो मीराबाई है उसकी जन्मभूमि कौन सी है, तो है मेड़ता सिटी। कौन सी है? मेड़ता सिटी। राजस्थान में भक्ति आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है, किसे जाता है? तो वो जाता है गन्ना जी को। किसो? गन्ना जी को जो है राजस्थान का जो भक्ति आंदोलन है उसका प्रारंभ करने का जो है श्रेय जाता है। अगला है, राजस्थान के किस लोक देवता ने मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनवी उसके साथ युद्ध किया था, तो जो मोहम्मद गजनवी है उसके साथ युद्ध किस लोक देवता ने किया था, तो वो किया था गोगा जी ने। किसने? गोगा जी ने। ढोलक नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है, किस क्षेत्र में ढोलक नृत्य किया जाता है राजस्थान के, तो वह जालौर के अंदर। अगला है, राजस्थान का जो शासन सचिवालय है वो कहाँ पर स्थित है, तो वह जयपुर के अंदर। कहाँ पे है? जयपुर के अंदर जो है राजस्थान का शासन सचिवालय स्थित है। राजस्थान का जो संगीत नाट्य अकादमी है वो कहाँ पर स्थित है, तो वह जोधपुर के अंदर। कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर। एशिया की सबसे बड़ी जो ऊन की मंडी है वो कहाँ पर लगती है, तो वो लगती है राजस्थान के बीकानेर शहर के अंदर। जो है एशिया की सबसे बड़ी जो ऊन मंडी है वो लगती है। राजस्थान का जो सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है वो कौन सा उद्योग है, तो वह सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है जो है राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है। अगला है, राष्ट्रीय सरसों जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है, तो वह सेवर भरतपुर के अंदर। कहाँ पे है? सेवर भरतपुर के अंदर। 13 नंबर क्वेश्चन है, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के रचयिता है कौन है, तो वो है कर्नल जेम्स टोड। कौन है? कर्नल जेम्स टोड जो है इस पुस्तक के रचयिता है। हमीरो रसो किस भाषा का ग्रंथ है, तो किस भाषा में लिखा गया है ये हमीरो रसो ग्रंथ, तो वह है संस्कृत के अंदर, जो कि राजस्थान का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम साइंस और मेडिकल जो विश्वविद्यालय वो कहाँ पे है, तो राजस्थान का जो प्रथम साइंस और मेडिकल विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, तो वह राजस्थान के जयपुर में, यानी राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर जो है ये स्थित है। तो उम्मीद करेंगे आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे अपने चैनल के हो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आपके लिए जो राजस्थान से संबंधित जो जीके के क्वेश्चन मन के आते हैं इम्पोर्टेंट, वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे इस वीडियो को, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। उम्मीद करेंगे आपको हमारा वीडियो पसंद है, अपने फीडबैक कमेंट के द्वारा जरूर देंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।